मैं आज अच्छा अच्छा बेटा, ये बताएं कि आप सब ने लॉग के क्वेश्चंस किए फर्दर? हेलो, फीकी चाय दे दी उसको पी ले जा। अगर चाहे तो पी पिए नहीं लिया। पाना जी बेटा, सबने बताओ, सबने क्वेश्चंस किए? है। बेटा सब जाग रहे हैं, सो रहे हैं सब? इस आंसर में आयोटा है उसको इग्नोर कर दो, सारे रियल आंसर लेते हैं। ये अगर आप सब रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं अज्यूम कर लूंगा इट मींस कि आपको आ गया और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलें, इट मींस कि आपको लॉग्स आ गए। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम है तो बता दो बता दो। सर है सर, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सॉल्व नहीं हो रहा वो असाइनमेंट क्या ना, तो सर। वो हो ही नहीं रहा, सारे हो गए, बस क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो रहा उसका। क्वेश्चन 4 में ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा था? सारी प्रॉपर्टीज यूज कर ली, हो ही नहीं रहा किसी तरह भी। मतलब सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ये भी या तो वही आयोटा मैं वाले की बात कर रहा है। सर, या तो मैं गलत कर रहा हूँ, आप करा दें। नहीं, सर आयोटा में ही आंसर आ रहा है, आप बोल रहे ना इग्नोर कर दो। बिल्कुल, अगर उसका आंसर लॉक का कोई भी आंसर आयोटा में है उसको इग्नोर करना है। अच्छा जी, आज मैं आपको कराऊंगा मॉडुलस फंक्शन, जो इनइक्वालिटी है। अच्छा, कल एक बच्चे ने सिलेबस का स्क्रीनशॉट दिया था, तो जो अपडेट्स हैं उसके लिहाज से जो लीनियर लॉ है वो कोर्स में है भाई। ठीक है, तुम लीनियर लॉ भी करेंगे। चलो देखो, आप टॉपिक नोट करो, आप मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, बल्कि फवाज और असद, असद शाह बेटा, आप तो मुझसे आके मिल लेना आज। और मैं क्यों बुला रहा हूं आप लोग जानते होंगे। आ जाओ, मेरी क्लास के बाद मैं फ्री हूँ, किस टाइम पे आ जाओ, बस 4 से पहले पहले आना बस। जी बेटा, सारा कुछ कह रही हो आप, आपने हैंड रेज किया है। जी, सारा पास, सारा कुछ कह रही बेटा, सारा पास।
ओके इट वाज एन एक्सीडेंट, अल्लाह खैर करे। देखो अब आपको देखो एक इनइक्वालिटी गिवन है आपको, सॉल्व बीन से यहां से आपने एक्स कैलकुलेट करना है। देखो आपने यहां पे सिर्फ एक यूज करनी है प्रॉबर्टी मॉडुलस की, कि जब आप दोनों साइड पे जो मॉडुलस गिवन है, ये वन साइड भी अगर आपको मॉड गिवन है, जब आप उसको रिमूव करेंगे तो आपने दोनों साइड पे सिर्फ स्क्वायरिंग करनी है। जब मैं यहां से दोनों साइड पे मॉड रिमूव करूंगा तो सिंपल आपने करना है कि आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देनी, मतलब ये हर एक स्क्वायर कंटेन कर लेंगे। सिर्फ आपने ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी है मॉडुलस, कि जब भी वन साइड मॉड हो या टू साइड मॉड हो, जब उसके रिमूव करोगे तो आपने दोनों साइड पे सिर्फ स्क्वायरिंग कर देनी। अब आप इसे एक्सपेंड कर लो फॉर्मुले में ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितने हैं नाइन, फिर टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करो ए प्लस बी होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस 25, मल्टीप्लाई कर लो 9 फोर से कितना होगा 36, फिर 9 फोर से 36 और फिर 9 वन से 9। अब इन सब को वहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो प्लस 36 एक्स प्लस 20x प्लस 9 माइनस 25, और ये क्या होगा आपका लेस देन 0। इन दो का डिफरेंस कितना आएगा आपका 32x स्क्वायर, ये 56x हो जाएगा, और फिर 9 माइनस 25 ये माइनस 16, और ये क्या होगा आपका लेस देन 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और उस पर साइन कौन से लेस। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, ए इज 32, बी इज 56 और सी इज माइनस 16, तो एक फैक्टर यहां बनेगा आपका 4x माइनस 1 और एक बनेगा आपका x प्लस 2 लेस देन 0। अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो और साइन लेस हो तो आंसर रेंज फॉर्म में लिखते हैं, हमने एएस में क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इसका आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन वन ओवर फोर। आई होप कि ये पैटर्न आप सबको याद हो। जी याद है पैटर्न्स, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो और साइन लेस हो तो आंसर रेंज फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉलर से मूव करते हैं विद टुवर्ड्स ग्रेटर, और अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो और उस पर साइन हो ग्रेटर का तो आंसर किसका लिखते हैं कि एक्स लेस देन स्मॉलर वैल्यू और एक्स इज मोर देन ग्रेटर वैल्यू। बस इस पैटर्न में हमने फॉलो करना है। ये आपने सॉल्व कर लिया अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो बताएं बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई मुश्किल? सिंपल सी बात है, बस मॉड रिमूव करना है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करनी है, वो बन जाएगी आपकी इनइक्वालिटी, या तो लेस में आएगी या ग्रेटर में आएगी, सॉल्व कर लेंगे। ये बताओ सबने से कॉपी कर लिया? गुड, चलें आगे मूव करते हैं।
अब देखो सेकंड सेकंड एग्जांपल सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन टू एक्स माइनस थ्री. प्रॉपर्टी यहां भी वही सेम रहेगी, यहां पे वन साइड मॉड है, तो जब इसको भी रिमूव करोगे तो आपने सिर्फ दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करनी, चाहे मॉड वन साइड पे हो या मॉडुलस आपके दोनों साइड पे हो. तो जब भी रिमूव करोगे आपने सिर्फ दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी. अब इसे एक्सपेंड कर लो फॉर्मूले में, ए माइनस बी होल स्क्वायर में. सर वो प्लस माइनस कब किया करते थे बेटा? जब वो इक्वेशन हो, इक्वल्स टू का साइन हो. ये इनइक्वालिटी है, यहां सिर्फ स्क्वायरिंग की जाएगी. ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर एक्स प्लस नाइन माइनस फोर, ये क्या होगा आपका लेस देन जीरो. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फाइव देन लेस देन जीरो, ये बन गया आपके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. साइन कौन सा लेस है? ए थ्री, बी माइनस एट और सी क्या आपका फाइव. तो इसका एक फैक्टर बनेगा आपका थ्री एक्स माइनस फाइव और एक बनेगा आपका एक्स माइनस वन लेस देन जीरो. तो इट मींस अब इसका आंसर रेंज फॉर्म में लिखा जाएगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेस देन एक्स लेस देन लार्जेस्ट वैल्यू, इसका आंसर इसी फॉर्म में लिखा जाएगा. तो ये आपने फाइंड कर ली, सॉल्व कर लिया आपने ये इनइक्वालिटी. तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम? जी बताए इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर. चलिए गुड. अब एक और देखो, नहीं नहीं बेटा फैक्टराइज करो उसको, फैक्टर फॉर्म में लिखो वो बेटर होता है. देखिए नेक्स्ट देखिए सॉल्व मॉड ऑफ थ्री टू द पावर एक्स माइनस एट लेस देन 0.5. ये सॉल्व करना आप अब यहां मेरे सबसे पहले काम करना है आप लोगों ने कि आप ये थ्री टू द पावर एक्स आ रहे हैं इसको पहले सपोज कर लो. मैंने कहा लेट y इज इक्वल्स टू थ्री टू द पावर x. अब इसको यहां पुट कर लो, ये y माइनस एट मॉड लेस देन 0.5 हो जाएगा. अब जब इस मॉड को रिमूव करूंगा तो आप दोनों साइड पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, तो a स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर और ये 0.5 को स्क्वायर कर लो तो ये 1/4 हो जाएगा बेसिकली. अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 4y² 16 4 64 हो जाएगा और फिर 64 into 4 you get 256.
लेस देन वन, अब वन को वन शिफ्ट कर लो तो फोर वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई फिर ये प्लस 255 हो जाएगा, देन लेस देन जीरो। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ए फोर बी माइनस 64 और बी 255, तो एक समझें कि जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा आपका 2y माइनस 17 और एक बनेगा आपका 2y माइनस 15 और लेस देन क्या होगा आपका जीरो। एक ही बात है बेटा। अब एक तो 17.5 है देखो आंसर रेंज फॉर्म में लिखेंगे इसका, एक आंसर आपका 17 डिवाइड बाय 2 जो कि 8.5 है और एक है 15 डिवाइड बाय 2 7.5, तो 15 ओवर 2 लेस देन y, लेस देन क्या होगा आपका 17 ओवर 2। ये तो फाइंड किया मैंने y के आंसर्स, अब y मैंने क्या सपोज किया था 3 टू द पावर x, यहां रिप्लेस कर लेते हैं तो 15 ओवर 2 लेस देन 3 टू द पावर x लेस देन 17 ओवर 2। अब यहां फाइंड कर दी मैंने x की वैल्यू, x पावर में आ रहा है तो x को ड्रॉप करने के लिए आप हर एक टर्म पे लॉग अप्लाई कर दो, लॉग 15 ओवर 2 लॉग 3 टू द पावर x लॉग 17 ओवर 2। तो लॉग 15 ओवर 2 0.875, इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये x इंटू लॉग 3 हो जाएगा फिर लॉग 17 ओवर 2 क्योंकि आपका 0.9294 यहां पर नेक्स्ट जीरो। अब आपने x फाइंड किया तो अब लॉग 3 से डिवाइड कर लो, 0.8750 डिवाइड बाय लॉग 3 फिर 0.9294 डिवाइड बाय लॉग 3 एक आंसर तो आपके 1.9488 हो गया। लॉग 15 ओवर 2 को डिवाइड करना है आपका लॉग 3 से, ये हो गया 1.834। तो ये फाइंड किया आपने x की सेट ऑफ वैल्यूज। बेस 3 क्यों करूंगा मैं बताओ, इसमें बेस 3 कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सिंपल लॉग अप्लाई करोगे इसकी प्रॉपर्टीज से, इसकी पावर को ड्रॉप करोगे, आपको आपके रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएंगे। जी बताइए एग्जांपल से तो क्लियर हुई। प्रॉब्लम तो मुश्किल, मैंने आपसे कहा था ना बेटा ये आप लोग ऐसे परेशान हो रहे, जो बाकी टॉपिक बचे ना ये बहुत ही ऐसे माइनर्स हैं, इनको हमेशा मैं एक एक क्लास में कवर करता हूँ एंड में।
अदील, क्लियर बात ये? हाँ जी बटी साहब, जी बड़ी साहब शो सो गए। जी सो गया ना, लग रहा है सो गए। असाइनमेंट में क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेगा? अरे क्वेश्चन फोर में ऐसा क्या है भाई, मैं देख तो लू असाइनमेंट, क्यों सब परेशान हो रहे हो यार? चलो अभी यार एक मैं असाइनमेंट फोर क्वेश्चन करा दूंगा, ना बच्चे परेशान हो जाएंगे। अनिल जाग रहे हो ना या सो रहे हो? नहीं नहीं सर, जाग रहा हूँ मैं। वो सवाल करा था एक, सुनाई दिया मुझे। अभी चलो देखो असाइनमेंट क्वेश्चन फोर बता रहा हूँ। एलन फोर इंटू एक्स माइनस फोर, फोर एलन एक्स माइनस एलन फोर। अभी एलन ये फोर मल्टीप्लाई कर लो, ये फोर एक्स माइनस सिक्सटीन हो जाएगा। इसको बाय प्रॉबर्टी पावर में शिफ्ट कर लो, ये माइनस एलन फोर हो जाएगा। तो एलन फोर एक्स माइनस सिक्सटीन, ये एलन ए माइनस एलन बी, ये एल एन ए अपॉन भी हो जाएगा। अब एल एन से एल एन कैंसिल हो गया, तो फोर एक्स माइनस सिक्सटीन, ये एक्स टू द पावर फोर ओवर फोर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन और इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। ये बन रही इक्वेशन सर, 4 इनटू 16 नहीं होगा, 4 इनटू माइनस 16 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 64 हो जाएगा। जी सर, यही इक्वेशन बन रही थी। ये बनी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो चैप्टर पढ़ा नहीं है मैंने। ये पावर फोर की इक्वेशन है ना, और यहाँ पे पावर वन है, ये बाय क्वाड्रेटिक नहीं है, जिसको आप सपोज कर लें। ठीक है, इसको कम से कम आप इतना करके छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगा। जी ब्रेड ट्रायल हो गए बिल्कुल। ये किस पहले किस पे जीरो किया जाएगा, उसके बाद फिर यूजिंग सिंथेटिक उसको रिड्यूस किया जाएगा, ये लॉन्ग डिविंस उसको रिड्यूस किया जाएगा, और फिर इसके आंसर फाइंड किए जाएंगे। जी बेटे क्वेश्चन फोर असाइनमेंट गए। तो आई होप कि आप सबके बात क्लियर हो गई हो। चले बैक टू इनइक्वालिटीज। बेटा ये एल एन सेल एन कैंसिल हो जाएंगे ना, ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर दोनों साइड पे लॉग इक्वेट हो रहा हो और लॉग के जो कोफिशियंट्स हैं वो वन हो, तो यहाँ भी कोफिशियंट वन, यहाँ भी कोफिशियंट वन, तो बाय प्रॉपर्टी फिर एल एन से एल एन कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स इक्वल्स टू बी हो जाएगा। जी बेटा क्वाड्रेटिक तो आपकी एस में भी है,
जी थोड़ा बहुत आपने उसमें किया होगा, लेकिन अभी रिमाइंडर फैक्टर मैंने करवाना है। हाँ इसको बस इतने छोड़ देना, बाकी का भी किया नहीं इसको इतना स्किप कर देना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैक टू इनइक्वालिटी, सॉल्व टू इनटू मॉड 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। अब आपने इसको सॉल्व करना है। नहीं बेटे a2 के लिए कुछ भी नहीं, a2 वाले सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब आप सिंपल 3 टू द पावर x को सपोज कर लो, लेट y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब यहां पुट कर लो तो 2 इनटू मॉड y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा y। अब सिंपल बस वो एक कंप्यूटर में ही है ना भाई, इसके अलावा नहीं है। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लो कि मॉड रिमूव करो, तो 2 स्क्वायर इनटू y माइनस 1 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या होगा y स्क्वायर। सिंपल प्रॉबर्टी, मॉड रिमूव करोगे वन साइड या टू साइड से तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देनी। 2 स्क्वायर 4 हो गया, इसे एक्सपेंड कर लो a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या आपका वाई स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर माइनस 4 टू ज 8y प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा वाई स्क्वायर। वहां शिफ्ट कर लो, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, 3 माइनस 8 4, तो एक y का आंसर आ रहा है 2 और एक y का आंसर आ रहा है 2 अपॉन 3। अब y मैंने क्या सपोज किया था, 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या होगा 2 और 3 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या होगा 2 अपॉन 3। अब x फाइंड करना है तो x को ड्रॉप करने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, अब बाय लॉग प्रॉबर्टीज की पावर ड्रॉप कर लो तो एक्स लॉग 3 हो जाएगा। ये एक्स लॉग 3 और ये लॉग 2 अपॉन 3। अब इसे डिवाइड कर लो, दैट मींस लॉग 2 ओवर लॉग 3। लॉग 2 अपॉन 3 ओवर log 3, log 2 डिवाइड बाय log 3, तो एक आंसर हो गया आपका 0.631। अब एक यहां से कैलकुलेट कर लो, तो log 2 ओवर 3 डिवाइड बाय log 3, तो ये आ रहा है माइनस 0.369। देखो अब आप कॉपी करो उसको आप लोग जल्दी। अभी होता ये बात सब कह रहे हैं, तक कि आप बड़ा कुछ फारिग इंसान है जिंदगी में देखा, ये जो एस काउंट नहीं हो रहा ये आपके लिए बेटा बहुत बेनिफिट है, असल में आपको पता ही नहीं है ना। अगर एस से क्यूमुलेट होता ना अच्छे खासे हिल जाता है।
बट इसमें भी प्रॉब्लम नहीं भाई, अभी रिमाइंडर फैक्टर और लीनियर लॉ बताने नेक्स्ट क्लास जब हमारी अब छुट्टी में बात होगी तो उसमें पहले एक वीक और पीसी चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सॉल्व करो बेटा। अगर एग्जेम्पशन तो पहले मिल जाए तो लेट तो जी अरे कोरोना पार्ट वन टू यार क्या करें, काम तो करने है ना। चलो इसको सॉल्व करो। अरे यार मेंशन किया हुआ कि ए आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है बेटा, इंग्लैंड में भी आया था, इंग्लैंड तो शरीर बंद हो चुका है। किसी पैंडेमिक की मैंने तो सिर्फ दो वेव सुनी, तीन वेव सुनी मैंने। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट भाई, सेकंड वेव भाई यूके में, तुमने थर्ड वेव कौन सी लिया है? रोड क्रॉस करके जाती। ऋषभवार माइक ऑफ करो। सुनते नहीं बेटा आप लोग। तो भाई वैक्सीन कोरोना क्वेश्चन तो सॉल्व कर दो। सारी वैक्सीन सारी कोरोना यहां क्यों आते मेरे पास? वैक्सीन तो यहां भी मिल रही है बेटा, खान में जाओ लगवा लो, एक ट्रायल बेसिस पे लग रही है। कुछ तमाशे कर रहे हो तुम लोग फिर से? नहीं सर, अप्रिसिएशन इस दफा। थैंक यू किस चीज के लिए भाई? सर आप इतनी मेहनत करते हैं, हम थैंक यू बोल। अच्छा थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। मतलब क्या लिखा, हमें झेलने के लिए। थैंक यू बेटा, बस सपोर्ट है आप लोग का इसलिए हम भी पढ़ा लेते हैं। फवाज तुमसे लाजिम मिल लेना जाके, ठीक है? कुछ सर वो प्रेडिक्टेड बात उन्होंने की है, कुछ बताऊंगा बाद में। बाद में सही जो सर्टिफिकेट्स हैं ये अवेलेबल है क्या? क्या चीज सर्टिफिकेट्स? जो एएस का रिजल्ट आया था हाँ, ये इसकी इक्विवेलेंसी बनेगी क्या? रही क्या? नहीं इसकी नहीं बनेगी। ओके ओके सर। चलो देखो बेटा आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, टाइम शॉर्ट है।
वही सेम प्रॉपर्टी मॉड रिमूव करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 3a होल स्क्वायर 2 स्क्वायर और फिर x माइनस 2a होल स्क्वायर इसे एक्सपेंड कर लो तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर ये 2 स्क्वायर 4 हो गया इसे एक्सपेंड कर लो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर इसका ब्रैकेट ओपन कर लो ये 4x स्क्वायर माइनस 16ax और प्लस 16a स्क्वायर हो जाएगा अब इन सबको वहां शिफ्ट कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 16 देन माइनस 6 ये माइनस 22 ए एक्स हो जाएगा 16 माइनस 9 ये 7 हो जाएगा लेस देन 0 देखो सबकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये बन रही है जी जल्दी बताओ बेटा अब यहाँ यूज कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्योंकि ए आ रहा है ना इन टर्म्स ऑफ ए डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए तो ये आपका प्लस 22 ए हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट तो 22 का स्क्वायर कर लो भाई ये हो गया आपका 484 ए स्क्वायर फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो गया आपका 84 ए स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या होगा आपका 6 तो 22 ए प्लस माइनस अंडर रूट अभी होगा आपका 400 ए स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 तो 22 ए प्लस माइनस अब इनका रूट कैलकुलेट कर लो ये देगा आपको 20 ए ओवर 6 अब इसको ब्रेक कर लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये होगा आपका 42 ए डिवाइड बाय 6 हो जाएगा और ये आपका 2 ए डिवाइड बाय 6 हो जाएगा एक हो गया आपका 7 ए और एक हो गया आपका 1 ओवर 3 ए ये आपने फाइंड किए x के दो आंसर लेकिन इसको लिखेंगे आप आंसर के फॉर्म में अब देखो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी उस पे साइन लेस था तो आंसर रेंज फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेस देन x लेस देन लार्जेस्ट वैल्यू एंड में आंसर पैटर्न पे लिखोगे तो बेटा ये बताओ कि मॉडुलस फंक्शन सब ओके हो गए तो सर इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी वो फिर a ग्रेटर देन 0 पर क्यों था इसने कहा कि a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी सर वो a ग्रेटर देन पॉजिटिव कांस्टेंट जो लिखा हुआ था लिखा था कि a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है सही नहीं कहा a फाइंड उसे का सॉल्व सॉल्व मींस वहां से आपने x कैलकुलेट करना था दैट मींस आपके x आपका इन टर्म्स ऑफ a आएगा ओके बट इसमें कोई प्रॉब्लम कर लोगे मॉडुलस फंक्शन Yes, sir, कर लेंगे। अब हमारी सिर्फ दो चीजें रह गई हैं P3 के अंदर एक आपका लीनियर लॉ सॉरी लीनियर कोर्स में है वो कल गलती हुई थी मुझसे और एक आपका रह गया है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम ये दो चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह जब वेकेशन के बाद फर्स्ट वीक होगा उसमें इंशाल्लाह P3 आपका कवर हो जाएगा फिर मूव करेंगे आपके नेक्स्ट कॉम्पोनेंट के ऊपर लेकिन बेटा मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग P3 को रिवीजन में रखो
सर मैकेनिक्स भी आप ही करेंगे 11 जन को जी फरमा बेटा मैकेनिक्स भी आप ही करेंगे स्टार्ट्स मैं ही कराऊंगा ओके ठीक है बेटा तो बस अब मैं जरा P3 का ये असाइनमेंट भी करूं उसके बाद फिर मैं आपको मैं भेज रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए अगर हो गया अच्छी बात है बेटा थैंक यू बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं वेकेशन के बाद और अपना ख्याल रखें ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ जी बेटा इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़